बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने चाय चढ़ा दी है, तो अभी आटा गूंथते हैं, फिर बच्चों को नाश्ता देते हैं। बच्चे कह रहे भूख लगी है, पता नहीं बच्चों को भूख जल्दी लग जाती है। तो चाय मैंने चढ़ा दी है। गर्मी इतनी है कि सुबह सुबह तो ठंडा मौसम होता है, सुबह सुबह गर्मी। हमारी तैयार हो गई है, चाय निकाल के रख देती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, बच्चों को रोटी देती हूँ। वो कह रहे चाय निकाल के रख दो, चाय ठंडी हो जाएगी, नहीं तो देती हूँ तो गर्म रहेगी। अम्मी मुझे भूख लगी है, नाश्ता दो। नाश्ता दो? पहले सलाम तो करो बेटा। पूरी देखना। तो जैसा कि आटा गूंद रहे हैं, और आटा भी हमारा खत्म हो गया है, यही पड़ा था जो मैं गूंद रही हूँ, और आटा दोपहर में लाएंगे। बर्तन गीला धो के आटा गूंथती हो ना, तो धो के आटा डालो ना तो थाल को ना चिपक जाता है, अगर सूखा हो तो इतनी नहीं चिपकता। सुबह सुबह बहुत गर्मी है, बहुत पता नहीं इंसान को क्या होगा, ये जो गर्मी है इंसान बीमार होंगे। गाँव में भी वो ऐसे गर्मी है, इधर भी ऐसे। रोटी भी टेस्ट हो गई, भूख लग रही है। अरे अभी जल्दी करो, जल्दी करो, आटा गूंद के कुछ देर रख दो ना तो सही हो जाता है। अब इसको तवे को तेल लगाएंगे तो रोटी नहीं जलती, तेल लगाएंगे तो रोटी बना के फिर आके को मोशन हो रहे हैं आज, उसके लिए मैंने तो कहा उसको चावल बना के दे दूँ। वो कह रहे मुझे जबड़े कुछ पड़े हैं हाथ वाले, वो कह रहे मुझे वो बना के दे दी, रोटी बना लो फिर चूल्हा खाली हो जाएगा तो उसको बना के दे दीजिए। वो सिवैया बना लेती हूँ, आराम भी शौक से खाते हैं, आराम भी खा लेगा, आके फिर खा लेगा, दोनों भाई खा लेंगे आराम। सिवैया खाओगे बेटा? वो देखो हंस रहा है। सिवैया खाओगे? हाँ, अच्छी लगती है आपको? अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं?
तो आप लोगों ने हमारे वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है, और हम सलाम करो। तो और हम की तरफ से भी आप लोगों को सलाम हो गया। हाँ जैसा कि ये जामुन जो है ना बच्चों ने तोड़ दिया है, तो पक्के पक्के जामुन लगे हुए थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें जामुन, जिस प्यारे बहन भाई को खाना है तो कमेंट में लाजमी बताएगा। इतना बड़ा दरख्त तोड़ दिया है बच्चों ने, लटक के पूरे जामुन। और ये देखें काले काले बिल्कुल ही सियाह जो है ना जामुन है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैंने खाए भी हैं। जैसा कि बच्चों ने जो है ना पूरा का पूरा टाली ये दरख्त जो है ना तोड़ दिया, जामुन का गिरा दिया तोड़ते हुए। भाभी जो है ना जामुन तोड़ के जा रही है घर की तरह, उसने झोल जो है ना भर लिया है, अब उसे शर्म सी। ये हैंड पंप है तो मेरे वाले साहब के दौर का लगा हुआ है। तो अभी बच्चों ने पूरा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों ने पूरा बेड भी कर दिया है, नीचे सारा कचरा भी बेड भी सही करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। शाम हो गई है फिर भी बहुत गर्मी है, बस अभी हम तो सुलाए। जैसा कि बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं तो घर गंदा कर ले, अभी झाड़ू लगा दे, पूरा घर में कचरा फैला देते, बाहर जाने नहीं देते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए बच्चों को, क्योंकि हम लोग घर में बैठे होते हैं, बाहर बच्चे चले जाए तो हमें क्या पता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए पूरा दिन घर में रखते हैं तो लड़ते हैं मारते हैं दूसरे को, घर गंदा कर देते हैं। तो अभी चलते हैं झाड़ू लगा दें, पूरा घर फैला हुआ है, मैं इसको पूरा तोड़ा है, ये देखिए हथौड़ों के साथ तोड़ फोड़ के ये इकट्ठे करके रखा है। झाड़ू मैंने लगा लिया है, घर पूरा साफ कर लिया है, बाकी पड़े बर्तन वो आके धोती हूँ, अभी जा रही हूँ आटा लेने, क्योंकि आटा बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने टैंकी साफ की है, बिल्कुल खाली होगी, साफ की है अंदर से बाहर से। Thank you.
जैसा कि दुकान बंद है, जिससे हम लोग लेते हैं वो दुकान बंद है, और एक के पास था खुला आटा, वो मुझे सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने दुकान खुलेगी 5 बजे तो उससे जाके ले लेंगे, 5 बजे अभी तो 5 नहीं हुए ना, तो 5 बजे जाएंगे। जैसा कि दुकान पर गई थी आटे का पता करने, तो दुकान बंद है, एक के पास था खुला आटा, वो मैंने नहीं लिया, और आएगा 5 बजे, तो 5 बजे जाऊँगी आटा लेने। और इस दफ़ा तो कराची में इतनी गर्मी है, इतनी कि मैं क्या बताऊँ, शदीद गर्मी है। सुबह सुबह भी उठो ना तो ऐसे लगता है कि इंसान नहा के आए, बहुत घुटन है। और उम्मीद करूँगी कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करना। और अभी लोग जयजाजा, अल्लाह हाफिज़।